गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने दिसंबर के हमारे तीन लेसन है, पांचवा, तेरहवा और सोलहवा। तो हमने पांचवा और सोलहवा लेसन कंप्लीट कर दिया। तो अभी हमारा जो लेसन चल रहा है वो है लेसन नंबर तेरहवा, जो कि हमने कल शुरू किया था, है ना। तो मैंने कल आपको चुंबक क्या है, चुंबक के क्या गुणधर्म है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझाया था, और मैंने एक ओरस्टेट का प्रयोग बताया था। तो बच्चों, आज जो मैं बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, उसके बारे में। आज का मेरा वीडियो बहुत ही छोटा सा है, तो चलो मिलते हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बताए थे, है ना। तो इसके बाद मैंने कल आपको किसका प्रयोग बताया था, ओरस्टेट का। तो ओरस्टेट ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व यानी चुंबक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब अपन करंट पास करते हैं तो उनके चारों ओर एक क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हमारे लेसन का भी यही टॉपिक है कि यदि हम चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव करते हैं। इसे देखने के लिए हमने हुक्का यंत्र का उपयोग किया था, जो या नाभिक का कंपास कहते हैं, उसके बारे में बताया। अब किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम सीधा वाला करंट पास कर रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको किसका प्रयोग बताया था, ओरस्टेट का प्रयोग बताया था, है ना। तो उसमें क्या उत्पन्न हुई थी, ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो सकेंद्रीय वृत्तित होती हैं, है ना, आपको ये बताया था। तो समझो, मान लो ये क्या है, विद्युत धारा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं चालक तार के किसी बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों का पैटर्न बनाती हैं। जब चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, वृत्ताकार। और दिक्सूची, दिक्सूची का मतलब बच्चों क्या होता है, दिक्सूची का मतलब होता है हुक्का यंत्र। तो हुक्का यंत्र का उत्तरी ध्रुव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। उसके द्वारा हमें पता लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। वो किसकी द्वारा पता चलता है, हमें हुक्का यंत्र के द्वारा। तो दिक्सूची यंत्र का क्या कार्य है, दिशा बताने का, दिशा सूचित करने का। तो हमें पता चलता है कि ये जो बह रही है ये है विद्युत धारा, और ये इसके आसपास क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर, उत्क्रमित करने पर मतलब मैंने उसको उल्टा कर दिया, अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। समझो, ये राइट हैंड साइड बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इस तरह से होगी, अगर उसका हमने उल्टा कर दिया तो वो भी उल्टा बहेगा। मतलब क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, बी, बी यानी जो वो किसके ऊपर आधार रखता है, वो आधार रखता है चुंबकीय क्षेत्र किसके ऊपर आधार रखता है, विद्युत धारा पर, ठीक है। तो विद्युत धारा के वह किस में होता है, विद्युत धारा का समानुपात होता है, विद्युत धारा का कौन समानुपात होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चालक तार से दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है, मतलब चालक तार से दूरी पर अगर दूर जाता है तो उसके विलोमानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर बी बच्चों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वो दूरी के विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, अगर दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, है ना। तो
अभी हम सीखेंगे जो प्रयोग पड़ा उसी पर ही आधारित हम सीखेंगे दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है, अब जैसे देखो जो विद्युत धारा बह रही थी, ठीक है, ऐसे बह रही थी, तो ये विद्युत धारा समझो क्या दर्शाती है, अंगूठा दर्शाती है। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त नियम के ज्ञात कर सकती है। अगर कोई विद्युत धारा बह रही है तो विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है उसको जानने के लिए हमें सीखना पड़ेगा दक्षिण हस्त का नियम यानी दाहिने हाथ का नियम, दाहिने अंगूठे का नियम। तो कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। जैसे देखो ये रहा, मैंने ये देखो किया ना, तो ये क्या कहलाता है, अंगूठा क्या करेगा विद्युत धारा की, ये देखो दिशा बताएगा, ये अंगूठा क्या बताएगा विद्युत धारा की दिशा। और ये देखो अंगुलियां इस तरह से जो मुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो आपकी जो अंगुलियां हैं चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा लिपटी होगी। मतलब ये देखो ये चारों ओर क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसे देखो ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये मेरा अंगूठा है या हाथ है, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे बंद किया, तो ये क्या कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या कहलाती है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो ये इसे हम दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम कहते हैं। तो जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है और जो आपकी अंगुलियां हैं जो चालक तार के लिपटी हुई हैं, है ना, ये देखो चालक तार से लिपटी हुई हैं, वो आपको चुंबकीय लिपटी होंगी ऐसा बताया है, ये कहलाता है दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। और इसको जो बताने वाला था उसका नाम था मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम कहते हैं। तो यदि कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाएं तो घूर्ण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अगर हमने करंट बहाया तो ये वाला जो दिशा होगी, ये देखो दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये है विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।